जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास व अचूक उपाय। इन उपायों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके पास धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आएगी। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं। सबसे छोटा सा व सरल उपाय आपको हम बताएंगे। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप अवश्य देखें। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरु जी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म के साथ ही सनातक वैदिक ज्योतिष में भी सप्ताह के वारों को देवताओं से जुड़ा हुआ माना है। ऐसे में जहां सोमवार का कारक महादेव जी माने गए हैं, वहीं मंगल के हनुमान जी और बुधवार के श्री गणेश जी माने गए हैं। गुरुवार के भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, शुक्रवार की माता लक्ष्मी जी है, शनिवार के शनि देवता है और रविवार के सूर्य देव माने गए हैं। वहीं इन दिनों में इनके सिवाय अन्य देवी देवताओं का पूजन का विधान होता है। जैसे कि मंगलवार को हनुमान जी के अलावा शक्ति की दुर्गा की पूजा आराधना आप कर सकते हैं और गुरुवार को भगवान विष्णु जी के अलावा विद्या की देवी माता सरस्वती जी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के अलावा माता संतोषी, जबकि शनिवार को शनि देवता के अलावा माता काली व हनुमान जी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको शुक्रवार का दिन होने के कारण इस दिन की कारक देवी और धन धान्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा विधान से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ उपाय आपको हम बताएंगे। इनके संबंध में मान्यता ऐसी है कि आज के दिन उपाय करने से माता लक्ष्मी जी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर के उसे मनचाहा वरदान व आशीर्वाद देती है। तो इस संबंध में आज आपको हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ सरल से उपाय आपको हम बताएंगे। देवी लक्ष्मी जी की विशेष पूजा और व्रत शुक्रवार को रखने का वैसे विधान होता है। देवी लक्ष्मी जी संतान, धर्म और धन संपदा समृद्धि की देवी मानी गई है। ऐसे में माना जाता है कि शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से या उपाय करने से मनचाहा फल प्राप्त हो जाता है। वहीं यह भी माना जाता है कि सुख और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी सदैव कर्म और कर्तव्य से जुड़े व्यक्ति पर हमेशा मेहरबान होती है। देवी लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठती है और हाथ में कमल ही धारण करती है। शास्त्रों में इनका निवास कमलवन माना गया है। इन्हें धन की देवी माना जाता है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। देवी लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन आप इस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा और व्रत रखने का विधान होता है। देवी लक्ष्मी जी धन संपदा और समृद्धि की देवी मानी जाती है। वहीं कुछ धर्म शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार को दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है, धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। तो शुक्रवार का जो व्रत है 7, 11 या 21 शुक्रवार आप अपनी इच्छा व श्रद्धा के अनुसार कितने भी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें लाल पुष्प अवश्य आपको अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक और चावल की खीर बना करके भोग अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत खोलते समय खीर जरूर खिलाना चाहिए, उसी का प्रसाद वितरण करना चाहिए। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार यह दिन माता दुर्गा का दिन भी माना जाता है। तो इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति और जीवन को सुखमय और प्रेममय बनाने वाली होती है, तो अशुभ स्थिति चारित्रिक दोष और पीड़ादायक हो जाती है। शुक्र ग्रह के अशुभ होने पर व्यक्ति में चारित्रिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं और वह व्यक्ति जो है बुरी आदतों का शिकार होने लगता है। कुंडली में शुक्र ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना गया है। यह मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का माना जाता है। वहीं तुला 20 अंश तक इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। शुक्र ग्रह अपने स्थान से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है और इसकी दृष्टि को शुभ कारक बताया है। जन्म कुंडली में शुक्र विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं इसे भाग्य का कारक ग्रह होने के चलते नव
नवम भाव का मुख्य प्रमुख ग्रह माना जाता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की अशुभता से बचना हो उन्हें यह उपाय इस दिन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, धन संपदा पाना चाहते हैं या कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें भी यह उपाय कर लेना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। शुक्रवार को परफ्यूम या इत्र का प्रयोग बलवान बनाता है। सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद मिठाई का शुक्रवार के दिन किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करना चाहिए। गाय के दूध की खीर बना करके 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को इस दिन खिलाना चाहिए और आटे की गोलियां बना करके दाने बना करके मछलियों के लिए पानी में डालना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी, कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह का बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके ग्रह की प्रतिष्ठा करके धूप दीप श्वेत पुष्प अक्षत आदि से उस ग्रह की पूजन आपको करना चाहिए। शुक्र देवता की मूर्ति हो अथवा यंत्र हो उनकी पूजा इस बीज मंत्र के द्वारा आप करें तो इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा भी मिलेगी, शुक्र ग्रह की विशेष कृपा आपको मिलेगी। आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र ग्रह अशुभ है तो शुभ फल भी आपको मिलेगा। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए और चांदी का कड़ा इस दिन आपको धारण करना चाहिए। इससे धन संपदा की कमी आपके पास कभी नहीं आएगी। और शुक्र ग्रह को शुभ करने का यह भी एक विशेष उपाय है, विशेष उपायों को आप अपना सकते हैं। तो मान्यता के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार रुई और दही को मंदिर में दान आपको करना चाहिए, शुक्र ग्रह की अशुभता इससे दूर हो जाती है। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। सच्चे मन व श्रद्धा भाव के साथ गाय की सेवा शुक्रवार को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है और स्त्री और अपनी पत्नी का कभी आपको अपमान या निरादर नहीं करना चाहिए, उन्हें सदैव आदर सम्मान देने का प्रयत्न करना चाहिए। और चांदी से बनी ठोस गोली सदैव अपने पर्स में रखना चाहिए या तिजोरी में आपको रखना चाहिए, इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। शुक्र ग्रह की शुभता के लिए शुक्रवार का व्रत आपको करना चाहिए और नियमित रूप से मंदिर में जा करके माथा टेकना चाहिए और मन और हृदय पर आपको काबू अवश्य रखना चाहिए। भटकाव हो जाने से आपको अपने आप को रोकना चाहिए। मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने पर शुक्र ग्रह विशेष बलवान होता है, शुक्र की अशुभता में कमी आती है। तो इसकी कमी लाने के लिए विशेष करके आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और शुक्र को बल गाय को पीला या घी में मंदिर दान करने से आपको शुक्र ग्रह का बल मिलता है, शुक्र ग्रह की विशेष कृपा मिलती है। तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक विशेष व सरल सा उपाय इस प्रकार से है कि आपको अपने घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का दिया लाल बत्ती से बना करके नाड़े की आटी से बना करके या लाल रुई बना करके उसकी बत्ती बना करके शुद्ध घी का दिया ईशान कोण में आपको जलाना चाहिए और माता लक्ष्मी जी को खीर या मिठाई का भोग अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं अथवा श्रवण कर सकते हैं या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में आप जाप करें तो इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से आपको धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आएगी। आपके ऊपर यदि कर्ज है तो वह कर्ज उतर जाएगा, आपकी जो मनोकामना होगी वह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, हमारे वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों फिर मिलेंगे।